एक गरीब पिता यही सोचता है कि बेटी आ गए तो मैं कैसे उनके विवाह करवाऊं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना, कहां से पैसा लाऊं। आज इसी कारण से कन्या नहीं रख रहे हैं, बेटी नहीं रख रहे हैं। बेटी नहीं होगी तो संतान कहां होंगे, बालक कहां होगा। मैं ज्यादा इस वाक्य को ना बोलते हुए उस पंक्ति पर ले जाऊं जिस समय माँ पार्वती की विवाह हुए और बाबा हिमालय राज्य स्वयं आंख में आंसू भर गए और कहने लगे, बेटी तुम जा रही हो ना। बोले, हाँ पिताजी मैं जावा चूंगा। बेटी याद रखे ना, कहीं ये धागा टूट ना जाए। ये पिता की मर्यादा भुज बल कहीं झुक ना जाए। जो पिता सीना तान के खड़ा है मेरी बेटी, ऐसे कर्म मत करना जिससे उस पिता के सिर झुक जाए। पार्वती कहने लगी, पिताजी ऐसे नहीं होंगे जिसे आपके सिर झुक जाए, माँ के सिर झुक जाए। बिटिया एक बात ध्यान देना, वहीं रहोगे, दुख मिले तो भी सहन करो, सुख मिले तो भी सहन करो। लोग कहते हैं बिटिया पराई धन होती है, लोग कहते हैं। कल बहुत सुंदर शब्द कहे लेकिन आप नहीं समझे, दो मिनट के भाव समझिएगा। एक पिता जब कन्या दान करता है और भाई जल डालते हैं और माँ पिता नीचे बैठकर भी कन्या दान करते हैं। भाई बहन की जब शादी होते हैं ना, घर में लड़ाई होता है शादी के पहले रहते हैं, तो भाई और बहन के बीच में कभी नहीं पटता। दिन रात भाई बहन के बीच में झगड़ा होती है। भाई अगर झगड़ा करे तो बहन कहती है मैं पिताजी को बता दूंगी, तो भाई कहता है मैं माँ को बताऊंगा। हाँ, क्योंकि पिता अधिक प्रेम बेटी से करते हैं ऐसे सुने हैं हमने, और माँ अपने पुत्र से बेटे से, दोनों के बीच में कभी प्रेम नहीं रहे, झगड़ा लड़ाई। एक चूहा और बिल्ली होते हैं, उसी लगा होता है, दिन रात बात नहीं करूंगा, मत करो। लेकिन ये झगड़ा लड़ाई तो चलते हैं, अच्छी बात। लेकिन जब बेटी जब बहन उस रथ पर बैठे ना, कन्यादान करें। एक पिता अपने समधी महाराज से कहते हैं, मेरी माँ ध्यान से समझना क्या कहते हैं वो पिता अपने समधी महाराज से, यह कन्या रूपी रत्न को मैं। ये भाव जो सुन रहे ना, आप एक पल के लिए ये जरूर सोचना कि आप भी अपने माँ से, अपने पिता, अपने भाई से बिछड़ करके ना टवे झरी आए हैं। और ये भाव जरूर समझना कि आप कहीं ना कहीं ये टवे झरी छोड़ करके अब दूसरे ग्राम भी विवाह होकर के जाने वाले हैं। तो ये सूत्र, ये समय याद करो आप एक पल के लिए, कैसे आपके लिए वो माँ रोई होगी, कैसे वो पिता, वो भाई, वो परिवार रोए होंगे। यह कन्या रूपी रत्न को मैं आज समर्पित करता हूँ माँ, आज समर्पित करता हूँ। पिता कहते हैं ये कन्या रूपी रत्न है, मैं आज समर्पित कर रहा हूँ। किन्हें कह रहे हैं? समधी महाराज से। महाराज ये रत्न है, ये बेटी ये रत्न, और मैं आपको दे रहा हूँ। तब उस समय उस गरीब पिता पुनः कहने लगे, क्या आज पिता होने का क्या, आज पिता होने का अधिकार समर्पित करता हूँ।
यह कन्या रूपी रत्न को बाबा मैं आज समर्पित करता हूँ। हाँ, आज आपको एक पिता होने का अधिकार मैं दे रहा हूँ। किसे कह रहे हैं? समधी महाराज से। एक पिता होने का अधिकार आपको मैं दे रहा हूँ, मेरी बेटी आपके घर जा रही है। हाँ। तब कहने लगे, एक पिता का भाव समझना, घर में वो पिता उस बेटी को कैसे रखते हैं। समधी महाराज से, महाराज भूल बहुत होगी इनसे। हाँ, बेटी से भूल बहुत होगी इनसे, माफ इन्हें तुम कर देना। छोटी सी थी मेरी गुड़िया, वह आज समर्पित करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न को बाबा मैं आज समर्पित करता हूँ। माँ से बिछड़ रही है बहना, माँ से बिछड़ रही और पिता से भी बिछड़ रही, भाई से बिछड़ रही है बहना और सगा संबंधियों से बिछड़ रही। आशीष तुम्हारे साथ है, तेरी इस युग में सुख से रहना। जाओ बहना याद रहे, धर्म पक्ष पर चलती रहना बहना, धर्म पक्ष पर चलती रहना। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, 9 महीने तक गर्भ में रखी, और जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ की सदा नाम रोशन करना। जाओ बिटिया, जाओ बहना, याद रहे धर्म पक्ष पर चलती रहना बहना, धर्म पक्ष पर चलती रहना। माँ ये पिता रोवे, माँ रोई, भाई रोवे, कुटुंब कबीला रोए, समझ आवे, लेकिन जिस भाई से दिन रात लड़ाई होता है, और जब बहन रथ में बैठती है, गाड़ी में बैठी, तब कहे चिल्ला के, भैया हम जा रहे हैं, हाँ भाई हम जा रहे हैं, अब नहीं करेंगे आपसे लड़ाई, नहीं करेंगे आपसे कोई झगड़ा, हम जा रहे हैं। और स्वयं बहन डोली में बैठी और विदाई हुआ, तब भाई सिर झुका करके धर 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 रोना प्रारंभ किए हैं। जाओ 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 जाओ। ओह, बाबुल की दुआएं लेती जाओ, जा तुझको सुखी संसार मिले। जाओ, याद रहे वो जीवन। मेरी माँ अपने बेटी की विदाई जब भी करना ना, तो एक सूत्र जरूर कहना, बेटी वो जा रही, वो घर में ससुर है, वो सास है, वो ससुर सास नहीं, एक माँ पिता है। और उस माँ पिता से भी कहूँ, वो ससुर सास से भी कहूँ, आपके लिए बहू नहीं, वो बेटी रूप में आ रही है। दोनों समझदार बन जाए, समझ जाए तो परिवार नहीं टूटेंगे महाराज। जाओ, बाबुल की दुआएं देती जाओ, जाओ भाई।